हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम प्रकृति और वन्य जीवों के चमत्कारों का पता लगाते हैं। आज हमारे पास आपके लिए एक विशेष एपिसोड है, जहां हम भारत में जूलॉजिकल पार्क की रोचक दुनिया में खुद को डुबोएंगे। जागरूकता में इजाफे के साथ ये अद्भुत प्रयासों का गवाही देने के लिए हम आपको वन्यजीव संरक्षण के इंद्रजालिक पार्क्स की एक वर्चुअल यात्रा पर ले जाने के लिए तैयार हो जाइए। भारत अपनी धरोहर को संरक्षित रखने के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रजाति संरक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करने वाले कई प्रसिद्ध जूलॉजिकल पार्क्स का घर है। इन पार्क्स की महत्वपूर्ण भूमिका बचाव योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण विश्वास है, जो प्रजातियों की संरक्षण में योगदान करते हैं और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की महत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा पहला स्थान है। गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, यह पार्क अपने संरक्षण प्रयासों के लिए प्रसिद्ध है, खासकर एकतासीय सिंह, एक लुप्तप्राय प्रजाति की संरक्षण में। ब्रीडिंग कार्यक्रमों और समर्पित संरक्षण पहलों के माध्यम से पार्क ने सफलतापूर्वक सिंह जनसंख्या को बढ़ाया है, जो यह जीव संरक्षण की एक अद्वितीय सफलता कहानी बनाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अब आइए हम असम के पूर्वी राज्य में चलें, जहां हम काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को खोजते हैं। यह पार्क भारतीय गैंडे की संरक्षण में की गई भारतीय और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है। चोरी और आवास हानि जैसी चुनौतियों के बावजूद काजीरंगा ने प्रभावी संरक्षण उपायों को लागू किया है, जिसके कारण यह महान जीव प्रजाति की संरक्षण में सफलता हासिल हुई है। हमारे साथ जुड़े जब हम पार्क के आकर्षक दृश्यों की खोज करेंगे और उसके अद्भुत वन्य जीवों से मुलाकात करेंगे। सुंदरबंस राष्ट्रीय उद्यान हमारा अगला स्थान है। पश्चिम बंगाल के आकर्षक सुंदरबंस राष्ट्रीय उद्यान, यह पार्क अपने अद्वितीय मैंग्रोव अवस्थान के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर बंगाली बाघ पाए जाते हैं। सुंदरबंस बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह इन महान प्राणियों के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करता है। चलिए हम इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रहस्यों को खोजें और पार्क के महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के बारे में जानें। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हिमालय की पहाड़ियों की ओर आगे बढ़ते हुए हम उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में पहुँचते हैं। यह पार्क भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान के रूप में ऐतिहासिक महत्व रखता है। इसमें भारी बंगाली बाघ और शानदार एशियाई हाथी जैसे वन्य जीवों का विविध समूह होता है। हमारे साथ आइए पार्क के घने जंगलों में एक साहसिक सफारी पर निकलें और इसके चल रहे संरक्षण प्रयासों को देखें। बैनरघट्टा जैविक पार्क हमारी अंतिम गंतव्य स्थल परिवर्तित होता है कर्नाटक के जीवंत बैनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में। यह पार्क संरक्षण और अनुसंधान पर मजबूत ध्यान देता है। संवादात्मक कार्यक्रमों और शिक्षा अनुभवों के माध्यम से बैनरघट्टा जनता को वन्य जीव संरक्षण के बारे में जागरूकता को सक्रियता से बढ़ाता है। चलो कुछ रोमांचकारी गतिविधियों में भाग लें और प्राकृतिक विविधता की संरक्षण में पार्क की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सीखें। जैसे ही हम भारत के प्रसिद्ध जूलॉजिकल पार्क्स की वर्चुअल यात्रा समाप्त करते हैं, हमें इन पार्क्स के सामरिक और विवादास्पद मुद्दों को स्वीकार करना चाहिए। जानवर कल्याण से संबंधित चिंताएं और पर्यटन और संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता लगातार चर्चाओं में है। हालांकि भारत में जूलॉजिकल पार्क्स का भविष्य उम्मीदवार दिखाई देता है। उन्नत तकनीक, नैतिक प्रथाएं और सहयोगी प्रयासों के सम्मिलन के साथ ये पार्क्स वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान करते रहेंगे। हमें आपका स्वागत करने के लिए धन्यवाद, जो आपने इस रोचक यात्रा में हमारे साथ जुड़ लिया। इनके संरक्षण प्रयासों और समर्पण के माध्यम से ये पार्क्स हमारे विविध वन्य जीवों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और संरक्षण की महत्वपूर्णता के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। याद रखें, हम सभी को हमारी प्राकृतिक धरोहर की संरक्षण में अपनी भूमिका है। चाहे यह जूलॉजिकल पार्क्स का समर्थन करना हो, जागरूकता फैलाना हो या हमारे दैनिक जीवन में सत्य विकल्प चुनना हो, हम हमारे प्लैनेट की अद्वितीय जैव विविधता के संरक्षण में योगदान कर सकते हैं।